या गाड़ी में माल बहुत है सुन ले गाड़ी वाले, गाड़ी में माल बहुत है सुन ले गाड़ी वाले। पाप चोर जाए लूटन चाहे, पाप चोर जाए लूटन चाहे, कैसे आए बेचारे सवार गाड़ी वाली हो गाड़ी वाले। गाड़ी में दस दरवाजे सुन ले गाड़ी वाले, जा गाड़ी में दस दरवाजे सुन ले गाड़ी वाले, जा गाड़ी में दस दरवाजे सुन ले गाड़ी वाले, जा गाड़ी में दस दरवाजे सुन ले गाड़ी वाले। और नौ दरवाजे खुले हुए हैं, नौ दरवाजे खुले हुए Yeah.
और वही बात नारद जी ने पुरंजन को समझाने का प्रयास किया। नौ दरवाजों का नगर माने हमारा शरीर, शरीर में नौ दरवाजे होते हैं महाराज, दो कान दो आंख दो नासिकाओं के चित्र एक मुख उपाजन्य इंद्रियां आदि। इस प्रकार शरीर में नौ द्वार हैं। इस पुरंजन नाम के जीव के शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। बड़ा अद्भुत बात है, जैसे नगर के अंदर गया एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी हुई थी। कौन है वो नारी? हमारी बुद्धि। पुरंजन उस पर मोहित हो, इसका नाम पुरंजनी रख दिया। उस नारी को हम बुद्धि कहते हैं, मेरा ध्यान रखना, विषय सोचने का समझने का याद रखने का। यह हमारे शरीर की स्वामी है, लेकिन अकेली नहीं थी, उस नारी के साथ 10 सहेली भी थी। वो कौन है? दस हमारी इंद्रियां। बहुत ही चालाक है यह नारी और बड़ा सुंदर कहा है हमारे पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, वही वह 10 सहेली है उसकी। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर बैठा हुआ विसूची, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन है वो? मन बहादुर रखवाली करने वाले। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह तो कर लिया, वो खाती तो वह खाता, वह रोती तो वह रोता, वह सोती तो वह सोता, वह चाहती तो वह जाता। बिल्कुल प्रेम रूपी बंधन में बंध गया है पुरंजन। अब तो बड़ी समस्या आ रही है, नगर में बात कर रहा है, रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर का एक प्रधान द्वार है न, इस पर एक पांच खंड वाला नाग रहता है। सारे ध्यान देने की बात है। अब यह नगर की रक्षा करता, बाकी तो सब सो गए, बैठा रहता है बेचारा, जागता रहता है, जागता रहता है, कभी सोता ही नहीं है। इस पांच फण वाले नाग का नाम है पंच प्राण। अगर यह सो गए ना तो फिर क्या होता है? ले चलो बदबू आ रही है, ले जाओ बदबू आ रही है। पिता को पुत्र कह रहा है बदबू आने लगी है, अब क्या करोगे? वो भाई बहुत दूर है, चार पांच दिन से नहीं आ पा रहा है, तो समझा दूंगा मैं, ले चलो। गति संसार, लेकिन जब तक ये सुरक्षा करने के लिए पांच फण वाला नाग है तब तक रखवाली कोई भी शत्रु नहीं आता। ध्यान रखना महाराज, पंच प्राण माने प्राण अपान उदान समान व्यान, यह है हमारे पांच प्राण। रात्रि में जब हम सो जाते हैं, जब सब इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन यह प्राणी कभी नहीं सोते। एक मिनट के लिए भी सो जाए तो शरीर बेकार नष्ट। गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। यह कौन है पता है? यह हमारा काल। अब यह राजा आक्रमण करने की तैयारी में, कैसे किया जाए, क्या किया जाए? बार बार नगर पर चढ़ाई कर देता है, पूरी सेना देता। सेना में 732 गंधर्व हैं इसके साथ, और गंधर्वियां भी हैं। साल भर के जो 360 दिन वो गंधर्व हैं, और 360 रात्रियां वो गंधर्वियां हैं। ध्यान रखना, समझने की बात है। इन सभी को लेकर चंडवेग नाम का राजा चढ़ाई कर रहा है, लेकिन पंच फण वाला नाग परास्त कर देता है, प्रवेश नहीं करने दे रहा। और ये बार 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 परास्त होकर के लौट आता है, लेकिन विचित्र बात है, ये लुटता नहीं है। तब एक और काम हुआ है, चंडवेग की एक बेटी है जिसका नाम है जरा। और चंडवेग राजा ने अपनी बेटी जरा से कहा, पुत्री बड़ी समस्या है, चढ़ाई करने के लिए बहुत बड़ी सेना से प्रहार किया जाता है, लेकिन जीता नहीं जाता, तो मेरी मदद करो। अब तो उसने अपनी पुत्री जरा को भेज दिया है। जरा माने बुढ़ापा, अब बुढ़ापा
ध्यान रखना। और जैसे ही यह जरा नाम की बेटी चंद्रवेग नाम के राजा की आती है वहां, तुम्हारा जरा भी आते ही कमजोर पड़ जाता है। बुढ़ापा माने कमजोर। अब देखो बूढ़ा बनना कोई चाहता है क्या? संकेत तो मिलते हैं महाराज, और संकेत कैसे मिलते हैं? यह महापुरुषों का कहना है, आप जैसे विद्वान बुजुर्गों का, अपनी पद्धति भाषा में, मौत की पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाते हैं। ऐसा मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। लेकिन अब कहना कुछ बंद कर दिया, क्योंकि अब तो गर्भ से ही सफेद बाल आते हैं। लेकिन पहले के जमाने में कहते थे, मैंने सुना है, बड़े बूढ़े कहते थे, लाला पहली घंटी होती है ना, यमराज की बाल सफेद पड़ जाते हैं, वो इशारा करते हैं तैयारी कर। लेकिन वो कहता है ऐसे कैसे तैयारी करनी है, कितने प्रकार के तेल हैं, कितने प्रकार की मेहंदियां हैं, कितने प्रकार की डाई हैं, बालों पर किया लो काल को दे दिया वापस। अब दूसरी घंटी बजने लगी, और दूसरी घंटी सज्जनों आंखों का कम दिखना, कमजोर पड़ जाती है। लेकिन उसके लिए भी दुनिया ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है, लेंस पड़वा लेते हैं, चश्मे लगवा लेते हैं, आंखों को भी बदलवा देते हैं। ऐसे कैसे बताओ, हमें परास्त कर देगा कोई? भेज दिया काल को वापस, जा यहां से, तेरा कोई काम नहीं है, हमें मैं जीतना चाहता, आंख ही बदलवा दी। हमारा ध्यान रखना इसी प्रकार। अब यह तीसरी घंटी जो बजती है, यह दांतों का टूटना गिरना, बत्ती सी निकल के बाहर आ गई, खाना नहीं खेल पाता है, बड़ी समस्या है, दाल दलिया आदि। उसने कहा यह भी बड़ा मुड़ा, यह बालक सुनते नहीं है, दाल दलिया का प्रबंध नहीं होता, यह गन्ने चबाई नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर सुनाओ बढ़िया वाली बत्ती सी लगाओ। सुना फिर से वही ऐसी गन्ने को भी चबा करके निचोड़ डाले, ऐसे भी परास्त कर दिया, चला गया। अब तुम्हारा बड़ी समस्या है, लेकिन भजन नहीं किया अभी, अभी भजन नहीं किया है, अभी क्या चलती है, भजन नहीं किया। मृत्यु की चौथी घंटी बजी, लेकिन यह कमर तीन जगह से टेढ़ी होने लगी, और जब तीन जगह से कमर टेढ़ी चलने फिरने में बड़ी छाती तान के चलता था, अब झुक करके चल रहा है। लेकिन क्या करें, कमर झुक गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब झुकना सीख लो, फिर भी नहीं समझ में आ गया है, कीर्तन शुरू कर दो नहीं समझ में आ रहा है, अरे भजन करो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर कमर वाले सिस्टम को भी बदल दिया, केसरी जीवन खाता है, स्वर्ण भस्म खाता है, चमन प्रकाश वन वाली चमन महाराज की तरह है, अब पैसे की क्या कमी है, काल को तो जीत ही लेंगे, मामूली चमन को तो चमन प्रकाश के द्वारा पुनः नव जीवन मिल गया था, मैं नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी विधि संसार में कितना सिस्टम चल गया है, समझने की बात। लेकिन पांचवा संकेत फिर आया, और सुनो पांचवा संकेत अगली बार क्या आ रहा है, अगली बार घंटी नहीं बजी घंटा बजा, और जैसे काल रूपी घंटे ने धमाका किया लेकर के गोविंदाय नमो, अब इंतजाम करता, अब क्यों नहीं किया तूने कुछ इंतजाम, अब क्या रहा, कहां गया तेरा पैसा, तेरा धन, तेरा वैभव, गोविंदाय नमो, जैसा आया वैसा ही चला गया। यमराज के दूत गले में डाल करके रस्सी खींच करके ले जा रहे हैं, वो कह रहा रुक जा थोड़ा छो, अरे भजन करने के लिए समय तो दिया होता, अभी तक भजन करने के लिए समय ही नहीं मिला तुझे, पहली घंटी का इशारा दिया, दूसरी का दिया, तीसरी का दिया, चौथी का दिया, लेकिन तुझे घंटा ही बजवाना था, तुझे घंटी समझ में कहां आ रही है। गोविंदाय नमो, निश्चित है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा जजी।
आया है तो जाना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की बनी, मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया, जरा आ गया, बुढ़ापा गया और बार बार प्रयास किया, लेकिन जब मर गया तो उसे स्त्री बनना पड़ा है, क्योंकि अंतकालीन चमावे स्मरण मुक्ता करेव। भगवान कह रहे हैं इस बात को, हे अर्जुन, जो अंत समय पर एक बार कृष्णाय नमः कह देता है, रामाय नमः कह देता है, वह मेरे स्वधाम के लिए आता है, और जो जिस जड़ वस्तु में आसक्ति रख के प्राण छोड़ता है वह उसी के उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। बड़ी शंका की बात है, अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि एक बार भी जो अंतिम समय पर मेरा नाम ले देता है वो मेरे धाम को आता है, जीवन भर पाप करेगा और एक बार जब मरेगा तो तुम्हारा नाम ले लेगा तो मुक्ति मिल जाएगी, इतना संभव है क्या? भगवान ने कहा बस इतना ही समझा तुमने, जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी नाम नहीं लिया, कभी यज्ञ नहीं किया, कभी अनुष्ठान नहीं किया, क्या हुआ अंतिम समय पर उसको स्नेह हो सकता है, उसे ध्यान हो सकता है, उसे ख्याल हो सकता है, जबकि जन्म जन्म गुण जतन कराई अंतराम गए आवत, उन्हें उसे आ जाएगा ध्यान, वो नाम लेगा कदापि नहीं। बड़ा सुंदर भाव, पति की मृत्यु के बाद इसका पति यहां मर गया, स्त्री बनकर के आया, अब सती होने के लिए तैयार हुआ, वहीं अज्ञात नाम का सखा आ गया, आकर उसे समझाने लगा, बोला भले आदमी न तुम पुरंजन हो न तुम पुरंजनी, तुम मेरे सखा हो, बचा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कर रहा हूँ राजा प्राचीन, वही वो कोई और नहीं, तुम ही हो स्वयं, कोई और नहीं है वो, तुम ही हो प्राचीन, वही तुम ही पुरंजन हो, परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हो, इसलिए शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, जीवों की हत्या कर रहे हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करना, परमात्मा के शरीर को दिया हुआ केवल विषयों का भोग न समझना, ठाकुर जी ने यह दिया है हमें विषयों के भोग के लिए दिया है, विवाह कर लेना, पत्नी मिल जाना, बच्चे पैदा करना, धन कमाना, इसी के लिए नहीं है यह, बिजनेस बढ़ाना, गाड़ी बंगले आदि, इसी दल दल में फंसे रहना, इसी में मर जाना, इसी में लुट जाना, इसके लिए नहीं बनाया है। ठाकुर जी ने यह शरीर बनाकर ये तो ये भेजा है समझने के लिए, समझाने के लिए, क्या करना है तुझे? बड़ा सुंदर कहा है, बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है, जो कि मानव के जैसे जीवन को पाकर के भी गोविंद की याद लगी जाए तो इससे बड़ी नासमझी क्या है? ऐसा मानव जीवन, ऐसा भगवान का दिव्य दिया हुआ आप प्रसाद हमें यहाँ मिला है, अच्छा यह मिला क्यों है? यह तो गारंटी है कि अच्छा कर्म किया तभी तो आए हो, कुछ अच्छा किया है तभी तो संसार में भेजा गया है तुम, तभी तो सबको जानने वाले हो, तभी तो देख रहे हो, ये तो कीड़ा मकोड़ा वह 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता,
मानव बना करके भेजा समझ के लिए तुझे, तेरे कोई पुण्य उदय हुए, तेरा कोई कर्म उदय हुआ, इसलिए भेजा कि वहाँ जाकर के तुझे करना क्या है। फिर भी मानव जीवन को पा करके अगर हमने वो कीड़े मकोड़े और पशुओं के भांति व्यवहार किया, क्योंकि एक कीड़ा रूपी जीव जो होता है वह एक कीड़े का भक्षण करके अपने उधर की पूर्ति करता है, मतलब एक जीव का भक्षण करना पाप योनि में चला जाता है, पाप करता है। और इसी भांति हम यहाँ करके पशु पुत्र पैदा करने में लगा था, पशुओं की जैसा कीड़ों की जैसा अगर हमने भी निर्वाह किया जीवन का, तो क्या है ये मानव, क्यों मिला है, क्यों आए हो, क्यों लिया तुमने, बेकार है, मिट जाना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, क्या फायदा है। एक ही सारा, एक ही भाग्य, गोविंद को याद करना प्रत्येक परिस्थिति में। ऐसा नहीं कष्ट है महाराज, गोविंद को याद कैसे करें, धन है पैसा है सुख में सुमिरण सब करें, दुख में करें न कोई, और जो कहते हैं ना जो सुख में सुमिरण करें तो दुख काहे को, इसलिए याद करना सीखो हर पल। नारद जी ने प्राचीन वही को ऐसा सुंदर उपदेश दिया, वह तुरंत ही उपदेश पाकर के चल दिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित श्री मैत्रेय मुनि के मुख से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी भी परम आनंद की प्राप्ति कर अनुभूति की और वह भी चले गए। बहुत ही सुंदर भाव, इसलिए कहा गया गोविंद का स्मरण करते रहो करते रहो, जहां भी हो जैसे भी हो जिस अवस्था में हो जहां जिस दुनिया में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ही रहे, विदेश में भी हो परदेश में भी हो। बड़ा सुंदर कहा है महाराज जी ने, जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा देश में परदेश में रहो, परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन Thank you.
परदेश में रहो, परदेश में रहो।